हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं इसराइल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेचर अविर इसराइल तो फ्रेंड्स आज मैं बोलने वाला हूं अगर आप लोगों ने कटिंग्स अभी तक नहीं लगाया है तो अभी भी टाइम है सितंबर मंथ में आप कटिंग्स लगा सकते हैं क्योंकि रेनी सीज़न बहुत ही अच्छा होता है कटिंग्स लगाने के लिए विंटर सीजन पे भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं लेकिन रेनी सीजन में जिस तरीके से रिजल्ट अच्छा मिलता है कटिंग्स का तो और कोई सीजन में मिलता नहीं है तो अगर आप लोगों ने कटिंग्स अभी तक नहीं लगाया है तो आप कटिंग्स लगा लीजिए तो कटिंग्स आप प्योर सैंड में ही लगाएं प्योर सैंड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आ, तो रूट्स उस पर बहुत ही डेवलप होते हैं ज़्यादा अगर हम प्योर सैंड पे लगाते हैं कटिंग्स जो कंस्ट कर्ष्ट, कंस्ट्रक्शन सैंड जो होता है काम भी यूज होता है सैंड वही सैंड पे आप कटिंग्स लगा सकते हैं उस पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी आप कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग्स लगा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मेरे साथ देख सकते हैं प्लूमेरिया का प्लांट है आप इसका भी कटिंग लगा सकते हैं इसके जो ऊपर के टिप्स होते हैं इसको कट करके आप योर साइड पे अगर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और कटिंग्स भी चल जाएंगे तो अभी सितंबर माउथ में आप इसे भी लगा सकते हैं इसके कटिंग्स और इसके कटिंग्स आप रोड साइड पर भी बहुत सारे इसके प्लांट्स होते हैं आप उसके वहाँ से भी कटिंग्स ला इसके कटिंग्स लगा सकते हैं और अपने गार्डन पर बहुत सारा प्लांट्स बना सकते हैं और आप मधुकमनी के भी कटिंग्स लगा सकते हैं इसके जो ऊपर के टिप्स होते हैं ये वाले ये जो ऊपर के टिप्स होते हैं इसको कट करके आप प्योर सेंड पे लगा दें ये भी बहुत ही अच्छा चल जाएगा और आप कटिंग्स लेकर बहुत सारे प्लांट्स इसके भी बना सकते हैं अपने गार्डन पे तो आप इसके भी कटिंग्स लगाइए अपने गार्डन पे और एक कनेर का प्लांट है आप कनेर के भी कटिंग्स लगा सकते हैं इसके भी ऊपर वाली टिप्स को अगर आप कट करके लगा लगा देंगे प्योर सेंड पे ये भी बहुत अच्छे से चल जाता है तो आप इसके कटिंग्स लेकर अपने गार्डन पे इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं अभी सितंबर सेप्टेंब, सेप्टेम्बर के मौथ में आप बहुत सारे कटिंग्स लगा लीजिए अगर आप नहीं लगाएंगे तो पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स इसके भी कटिंग्स लगाकर आप अपने गार्डन पर बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं आप हाइब्रिड ह्यूसकस के भी कटिंग्स लगा लीजिए अगर नहीं लगाए हैं तो तो आप देसी और हाइब्रिड ह्यूसकस के भी कटिंग्स लगा लीजिए प्योर सैंड पे ये भी बहुत ही अच्छे चल जा, चल जाते हैं लेकिन रूटिंग्स बहुत ही देर में आता है वन वन से ज़्यादा लग जाता है आप उसको जल्दी ही मत निकालें अगर लगाते हैं तो कटिंग्स ऊपर वाले टिप्स को ही कट करके कटिंग्स लगाएं तो ऊपर वाले टिप्स बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं और आप हाइब्रिड रोज़ के भी कटिंग्स लगा सकते हैं देसी रोज़ के भी कटिंग्स लगा सकते हैं रोज़ के भी ऊपर के टिप्स को आप लेना थोड़ा ज़्यादा पतला ब्रांच मत लेना थोड़ा मोटा ब्रांच लेना तो उसको लेकर आप अपने गार्डन पे बहुत सारे रोज़ के भी प्लांट्स बना सकते हैं कटिंग्स से तो इसको भी आप प्योर सेंट में ही लगाएँ इसके कटिंग्स को भी देख सकते हैं मेरे देसी पिंक कलर का रोज का प्लांट कटिंग था इसको मैंने बहुत ही देख सकते हैं कितना मोटा मैंने ब्रांच लगाया था इसका तो ये भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है ग्रोथ हुआ है तो आप देसी और हाइब्रिड ही यूज के कटिंग्स लगा सकते हैं अभी सप्टेम्बर माथ में देखते हैं ये थूजा का प्लांट है आप इसके भी कटिंग्स अभी लगा सकते हैं इसके जो ऊपर वाले टिप्स होते हैं आप देख सकते हैं ये वाले तो इसको कट करके और नीचे के सारे पत्ते को हटाकर आप प्योर सैंड पे इसको भी लगा सकते हैं और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा प्योर सेंड पे अगर लगाते हैं तो इसके भी कटिंग्स से आप बहुत सारे प्लांट्स अपने गार्डन पे बना सकते हैं अगर नहीं लगाए हैं तो इस कटिंग ज़रूर लगाएं इसके लगा कटिंग्स अभी तो देख सकते हैं एक जरा का प्लांट है ये लॉन्ग वैरायटी का है तो आप इसके भी कटिंग्स लगा सकते हैं इसके भी ऊपर वाले जो टिप्स होते हैं टिप्स तो उसको लेकर आप प्योर सेंड पे लगाइए इसके भी कटिंग्स बहुत ही अच्छे चल जाते हैं अभी भी टाइम है इसके कटिंग्स लगा लें आप और आप आलमंडा प्लांट की भी कटिंग सभी लगा सकते हैं इसके भी ऊपर वाले टिप्स इजीली चल जाते हैं इसके ऊपर वाले टिप्स को लेकर आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं अपने गार्डन पे तो इसके भी कटिंग सभी लगा लीजिए और ये देख सकते हैं ये बोगनभिल् का प्लांट है अगर आप इसके भी कटिंग्स नहीं लगाए हैं तो अभी भी इसके कटिंग्स लगा सकते हैं तो अगर आपके गार्डन पे बोगनबिल्ह का प्लांट नहीं है आप रोड साइड से भी इसको ला सकते हैं रोड साइड पे तो बहुत सारे लगे हुए होते हैं तो वहाँ से बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे आपको और वहाँ से कटिंग्स ला अपने गार्डन पर बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स बना सकते हैं इसके भी ऊपर वाले टिप्स को कट करके आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ ओके फ्रेंड्स बाय